सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन FBR के रेडार पर। 33,318 रुपए तनख्वाह लेने वाले तमाम मुलाजमीन साल 2018 के गोश्वारे जमा कराने के पाबंद। 2 अगस्त आखिरी तारीख, सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। इनकम टैक्स गोश्वारे जमा ना कराने वालों को 40,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। जराए FBR। सात माह कबल रोही नाले से मिलने वाली नौजवान की लाश का मुअम्मा हल। 16 साल अब्दुल्ला को दोस्तों ने गला दबाकर कत्ल किया। मकतूल अब्दुल्ला ने अपनी शादीशुदा बहन से दूर रहने का कहा तो दोस्त दुश्मन बन गए और अब्दुल्ला को मौत के घाट उतारकर लाश नाले में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम रिजवान, उसामा इफ्तखार और उसामा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों का एतराफ़ जुर्म, मुलजिमों को डर था कि अब्दुल्ला उनसे अपनी बहन की तलाक का बदला लेगा। पुलिस SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कातलों को नजर के सामने देखकर मुदई पार्टी से रहा ना गया। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिमान पर थप्पड़ रसीद कर दिए। शहर में अगवा की वारदातें थम न सकी। शादबाग से 12 साल नन्नी मुस्कान अगवा बच्ची दुकान पर चीज लेने गई, घर वापस न आई। अगवा की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। अगवाकारों को मुस्कान को रिक्शे में बिठाकर ले जाते देखा जा सकता है। वालदैन बेटी की जुदाई में गम की तस्वीर बन गए। अगवाकार मुखवी का मोहल्लेदार निकला। शादबाग पुलिस ने मुलजिम आरिफ को हिरासत में ले लिया। शहर में चोर डाकू बेलगाम। सब्जाजार के इलाके में SP लीगल फैसल नजीर के घर चोरी की वारदात। चोर खिड़की तोड़कर घर का सफाया कर गए। फैमिली के साथ फैसलाबाद था, पीछे वारदात हो गई। SP लीगल फैसलाबाद फैसल नजीर की मुदियत में मुकदमा दर्ज। अपोजिशन की रिक्वजिशन पर पंजाब असेंबली का इजलास। अपोजिशन की अपनी ही सर्द मोहरी का शिकार। कॉरम ही पूरा ना हो सका। महंगाई पर बहस की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। नून लीगी अरकान ने स्पीकर के डायस के सामने धरना दिया। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट किया। कॉरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन की रिक्वजिशन पर इजलास बुलाया। अपोजिशन कॉरम पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हुई। अवामी मसाइल पर बात करने की बजाय अपोजिशन वाले कयादत को खुश करके चले गए। हाजी लगाने और TAD के लिए अपोजिशन इजलास में ना आया करे। सूबाई वजीर इत्तला'आत नियासम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अपोजिशन का इत्तेहाद चूचों का मुरब्बा है। पाकिस्तान बदलने जा रहा है, एहतसाब तो होकर ही रहेगा। मनशियात बरामदगी केस। राना सनाउल्ला के जुडिशल रिमांड में 11 रोज की तौसी। राना सनाउल्ला दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, घर से अद्वियात मंगवाने की इजाजत दी जाए। अभी तक केस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। वकील राना सनाउल्ला, चालान हमने मुकम्मल कर लिया लेकिन कुछ चीजें अभी तैयार नहीं। प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत ने राना सनाउल्ला के मेडिकल की रिपोर्ट 31 जुलाई को तलब कर ली। अदालत का राना सनाउल्ला और दीगर मुलजिमान को 9 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्ला की पेशी, मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ की अदालत आमद। अपोजिशन लीडर की गाड़ी को MAO कॉलेज के करीब रोक लिया गया। साबिक वजीर आला तकरीबन 400 मीटर पैदल चलकर अदालत पहुंचे। रास्ते में लीगी कारकुनों और पुलिस में धक्कम पे। शहबाज शरीफ का जूता उतर गया, गिरते गिरते बच गए। शहबाज शरीफ राना सनाउल्ला से गले मिले। केस से मुतल्लिक भी गुफ्तगू। बोले मुलाकात के लिए आ रहा था तो रोक लिया गया। एक शहरी हूँ, अदालत में जाना मेरा हक है।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़े, कहते हैं पीटीआई के कारकुनों के साथ ब्यूरोक्रेसी की जानिब से ऑपोजिशन जैसा सलूक किया जाता है, मुल्क में सिर्फ आवाम की हाकमियत होगी, करप्ट अनासर के खिलाफ हैं, इदारों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। पीटीआई पंजाब के सदर एजाज चौधरी बोले, कारकुनों को पावर करेंगे, कारकुनों की नुमाइंदगी हुकूमत के ऐवानों में नजर आएगी। एलडीए की ठेकेदारों से मुफ्त काम करवाने के लिए नई पॉलिसी, अंडरपासेस, ठोकर जंक्शन और सेक्रेटेरिएट से गांव में शाह तक कजीनो आराइश का मंसूबा। एलडीए ने मुफ्त काम करने वाली फर्मों से टेंडर तलब कर लिए, फ्री इश्तेहारी मुहिम का मौका दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना लोगो, अंडरपासेस और मुख्तलिफ बोर्ड्स पर आवेजा कर सकेंगे। डीजीएलडीए यूएचएस ने उम्मीदवारों का मुतालिबा मान लिया, मेडिकल एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख में 1 अगस्त तक तौसी, फीस जमा कराने के 72 घंटे के अंदर उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप जारी होगी, 1 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी नहीं होगी। तर्जुमान यूएचएस। पैसे नहीं, ईदे कुर्बान पर अलाइशें कैसे उठाएंगे, 20 करोड़ रुपए मिलेंगे तो पॉलीथीन बैग खरीदेंगे। तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स अलबेराक और ओसबाक ने हाथ उठा लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स ने एमडी एलडब्ल्यूएमसी को खत लिख दिया, पिछले 7 बरस के 1 अरब 40 करोड़ रुपए भी मांग लिए। शहर की सफाई सुथराई के जिम्मेदार इदारों को शहरियों का ख्याल आ ही गया, वासा और एलडब्ल्यूएमसी का मिलकर काम करने का फैसला, दोनों के अफसरान व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाएंगे, चाहते हैं निचली सतह तक वासा से मिलकर जिम्मेदारियां निभाएं। एमडी एलडब्ल्यूएमसी अजमल भट्टी, ईद उल अजहा पर एलडब्ल्यूएमसी को मशीनरी फराहम की जाएगी, एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज का ऐलान। कूड़ा करकट कंटेनर्स में डालें, सड़कों पर ढेर मत लगाएं, मानसून में कूड़े में पानी जमा होने से डेंगू पैदा होता है, डेंगू से बचने के लिए कहीं भी पानी जमा ना होने दिया जाए। वजीर आला पंजाब की शहर की सफाई पर खास तवज्जो है, सूबाई वजीर सेहत की मीडिया से गुफ्तगू, सांदा रोड इंसदादे डेंगू के हवाले से खसूसी सफाई आगाही मुहिम, शहरियों में सफाई आगाही पंपलेट्स, वेस्ट बैग्स तकसीम किए। सीवरेज सिस्टम ना ही बारिशी पानी के निकास का कोई इंतजाम, जगह जगह गंदगी के ढेर, मिट्टी कीचड़ के पहाड़ लग गए, शहर की सब्जी मंडियां गंदगी में तब्दील, मानसून में बादामी बाग और सिंहपुरा मंडी का और भी बुरा हाल, मंडियां कम जौहर ज्यादा लगने लगी, आड़ती और खरीदार दोनों परेशान, सब्जी मंडियां दलदल बनी हैं तो लारी अड्डा दरिया, नकासी आपका सिस्टम ना होने के बराबर, बादामी बाग अड्डे के कई स्टैंड में कई रोज से पानी जमा, मुसाफिर तो शदीद तंग है, ट्रांसपोर्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं। रवामा महकमा एक्साइज में 21,000 मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन, कौमी खजाने में 5 करोड़ जमा, मोटरसाइकिल मालिकान को नंबर प्लेटें मिली ना ही स्मार्ट कार्ड, 21,000 मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट शहर में रवा तवा, सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ गए, नंबर प्लेटों की फराहमी में कई माह लग सकते हैं, डायरेक्टर एक्साइज रीजन इमरान असलम। गैर मयारी खुराक और आलूदा पानी बीमारियों का सबब करा, जनरल अस्पताल में हेपेटाइटिस के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक, डॉक्टर्स और दीगर अमले की शिरकत, शहरियों में आगाही पंपलेट्स तकसीम किए गए, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल का हेपेटाइटिस की रोकथाम और आगाही के लिए SMS सर्विस शुरू करने का ऐलान। शहर में तजावजात और पार्किंग के बढ़ते मसाइल का हल, कमिश्नर लाहौर की जिले सदारत, ताजर तंजीमों का इजलास, आर्जी तजावजात को फौरी खत्म करेंगे, ताजरों की इंतजामिया को यकीन दहानी, नीला गुंबद पवारा चौक की तजीनो आराइश का फैसला, हॉल रोड और इसके गिर्दोनवा में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मेट्रोपोलिटन के अमले ने 2 ट्रक सामान को कब्जे में ले लिया। जिंदा दिलाने लाहौर, जश्न आजादी धूमधाम से मनाने के लिए पुराजम गंपत रोड पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार,
सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े और खवातीन खरीदारी में मसरूफ। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में 14 अगस्त के हवाले से तकरीब। बच्चों के लिए रंगारंग स्टॉल्स और फेस पेंटिंग का अहतमाम। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। लाहौर म्यूजियम की काविश। पहली बार तमाम गैलरीज की नवादरात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश। शहरियों की कसीर तादाद म्यूजियम के नवादरात पर मबनी फिल्म को देखने उमड़ आई। और चीफ सेलेक्टर और कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस के मुस्तकबिल का फैसला 2 अगस्त को होगा। एमडी पीसीबी वसीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इमामुल हक अपनी गलती पर परेशान हैं, बोर्ड से माफी मांगी है। ओपनर को पीसीबी के ज़ाब्ता इख़लाक़ बारे बता दिया गया।